अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद की आमद आमद है, नमकीन ईद पर मीठा तो लाजमी बनता है, तो इसीलिए आज हम बनाएंगे कमर्शियल फिरनी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और इसका एक सीक्रेट है जो आपको वीडियो के दरमियान में मिल जाएगा। तो फिरनी बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, 1.5 पाव चावल, 1.5 पाव चीनी, 2 टेबलस्पून बादाम कटे हुए, 8 अदद इलायची छोटी, पिस्ता 1 टेबलस्पून, गार्निश के लिए बादाम टुकड़ों में कटे हुए, 2 लीटर दूध, क्योड़ा एसेंस। सबसे पहले चावलों को पीस कर चीनी में शामिल करेंगे। चावलों को पीस लिया है, अब इसे छान लेते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे चीनी, कटे हुए बादाम और इलायची। सबसे पहले बर्तन में दूध डालेंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तो चावल और चीनी का पाउडर उसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। चम्मच इसमें बराबर हिलाते जाएं ताकि फिरनी नीचे ना लगने पाए। और क्योड़ा एसेंस जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें 1 से 2 ड्रॉप डालें, ये खुशबू के लिए है। अब इसे हल्की आग पर गाढ़ा होने तक पकाएंगे और चम्मच मुतवातर हिलाते जाएं, चम्मच रोकना नहीं। शादियों वाली फिरनी बनाने का राज जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। 5 मिनट हो चुके हैं, देखें थोड़ा सा ठीक हुआ है हमारा मैदा। हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक बिल्कुल ठीक ना हो जाए। 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब आप देख सकते हैं कि फिरनी कितनी ठीक हो चुकी है। शादियों वाली फिरनी बनाने के लिए जो सीक्रेट था, अब उसे शामिल करेंगे। दूध लिया हमने 1 कटोरी, उसमें शामिल करेंगे वनीला कस्टर्ड 1 टेबलस्पून। फिरनी में कस्टर्ड शामिल करने से उसमें कमर्शियल गाढ़ा और लचकीलापन पैदा हो जाता है। इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाइएगा, हमारे पास तो नहीं है, हमें मार्केट से मिले नहीं है, उसी से ज्यादा खूबसूरत लगती है। इसकी सजावट बहुत अच्छी हो जाती है चांदी के वर्क लगाने से, तकरीबन 3 से 4 अदद चांदी के वर्क लगाने पड़ते हैं इसके ऊपर। चम्मच इसमें मतवातर हिलाते जाएं। कस्टर्ड डालने के बाद इसको 20 मिनट तक पकाना है। याद रखें फिरनी का कुकिंग टाइम उसकी मिकदार पर डिपेंड करता है। हमने टोटल इसको आधा घंटा पकाना है, फिर हमारी फिरनी तैयार हो जाएगी। आधा घंटा हो चुका है, फिरनी हमारी तैयार है। फिरनी का गाढ़ापन चेक करने के लिए उसे डालेंगे प्लेट में ऐसे, और इसको यूं करके देखें। अगर ये प्लेट के साथ जुड़ती है तो समझ लें कि फिरनी तैयार हो चुकी है। देखें कितनी ठीक हो चुकी है, आपने भी इसको इतना ही ठीक रखना है, ठंडा होने के बाद ये ज्यादा ठीक हो जाती है। अब इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी फिरनी तैयार हो चुकी है, देखें है ना इसकी बाजार जैसी लुक, बिल्कुल कमर्शियल फिरनी जैसी लुक है इसकी, और मजे की भी बहुत बनी है। आप भी इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।